जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडल रेल मार्ग पर ट्रेनों के संचालन को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। वहीं अब तक डीजल इंजन से ट्रेन ना चलने की वजह क्या है, इसके साथ ही ट्रेन चलने की मांग पर रेलवे के आला अधिकारियों का क्या कहना करना है, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडल रेल मार्ग पर ट्रेनों के संचालन को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के बार बार पत्र लिखने पर एवं समाज सेवी संगठनों के द्वारा ज्ञापन सौंपने के बावजूद रेलवे अधिकारी छिंदवाड़ा से सिवनी नैनपुर होते हुए जबलपुर एवं मंडला तक डीजल इंजन से ट्रेन चलाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे अधिकारी छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच शेष बचे विद्युतीकरण के कार्य पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इसे पूरा होने में अभी 6 से 7 माह और लगेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन सीआरएस का भी निरीक्षण होगा। अप्रूवल मिलने के बाद ही विद्युत इंजन से ट्रेन चल सकेंगी। वहीं नैनपुर से पलारी तक व छिंदवाड़ा से चौरी तक भी विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन सीआरएस का निरीक्षण हो चुका है। इसके साथ ही अप्रूवल भी मिल चुका है। विद्युतीकरण के कार्य PGCIL कंपनी कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि पलारी से भोमा तक 3 से 4 दिन का काम शेष है। हालांकि ये काम कब के किए जा चुके हैं और पलारी से भोमा के मध्य इलेक्ट्रिक लोको चलाकर इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रायल भी लिया जा चुका है। अब केवल भोमा से सिवनी 20 किलोमीटर एवं सिवनी से चौरी लगभग 32 किलोमीटर के रेल मार्ग पर विद्युतीकरण के कार्य होना है। हालांकि बारिश में कार्य की रफ्तार धीमी हो गई है। अगले 2 से 3 माह बारिश की वजह से कार्य काफी कम होंगे। दिसंबर 2022 तक छिंदवाड़ा से नैनपुर तक शेष बचा हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में लंबे समय से छिंदवाड़ा जबलपुर तक नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन पर ट्रेन सुविधा की राह देख रहे लोगों को अभी लगभग 8 माह और इंतजार करना होगा। हालांकि रेलवे से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि नियम अनुसार सीआरएस के अप्रूवल मिलने के बाद 6 माह के अंदर यात्री ट्रेन चलानी पड़ती है। किसी कारणवश निर्धारित अवधि में ट्रेन नहीं चली तो फिर से सीआरएस करना होता है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 13 मार्च को सीआरएस ने छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल परियोजना का अंतिम रेल खंड चौरी से भोमा 54 किलोमीटर के रेल मार्ग को अप्रूवल किया था। तब से ही लोग छिंदवाड़ा से सिवनी नैनपुर होते हुए जबलपुर एवं मंडला तक ट्रेन सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से सिवनी नैनपुर एवं आसपास का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। लगभग 6 वर्ष पहले इस क्षेत्र में नैरोगेज ट्रेन का परिचालन होता था। इसके बाद नैरोगेज ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया और ब्रॉडगेज के लिए चरणबद्ध कार्य शुरू किया गया। 4 माह पहले परियोजना पूरी होने के बाद भी ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हुआ। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं ट्रेन चलाने की मांग पर रेलवे के आला अधिकारियों का क्या कहना करना है। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के जोनल सदस्य विजय धावले जी का कहना है कि मैंने कुछ दिन पहले DRM से ट्रेन चलाने की मांग उठाई थी कि हम अगर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजेंगे तो भी वह मंजूर नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि डीजल इंजन से ट्रेन चलाने पर खर्च अधिक आएगा। मैंने DRM से कहा था कि आप प्रस्ताव भेजिए, जल्द ही DRM से मुलाकात कर लोगों की समस्या जरूर रखी जाएगी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सीनियर DCM रवीश कुमार का कहना है कि छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच शेष बचे विद्युतीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2022 का है। दोस्तों, रेलवे से जुड़े अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में रेलवे की योजना है कि पूरे देश में विद्युत इंजन से ही ट्रेनों का परिचालन किया जाए। विद्युत इंजन से ट्रेन का परिचालन करने पर खर्च कम आता है, जबकि डीजल इंजन से खर्च अधिक होता है। यही वजह है कि रेलवे विद्युतीकरण होने के बाद ही ट्रेन का परिचालन करना चाह रहा है। हालांकि लोगों की समस्या को देखते हुए अगर जनप्रतिनिधि चाहें एवं रेलवे अधिकारियों की इच्छा शक्ति हो तो कुछ माह के लिए डीजल इंजन से ट्रेन चलाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को जरूर समझेंगे। चलिए फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।